प्रदेश राज्य आजीविका मिशन द्वारा ग्राम पंचायत बालसमुद की साईं स्व सहायता समूह की आशा धनगर और निर्मला प्रजापत को नव निर्मित एसडीएम ऑफिस परिसर में सुसज्जित आजीविका दीदी कैफे कैंटीन प्रदान की गई, जिसका शुभारंभ आज जिला पंचायत सीईओ श्री दिव्यांकर सिंह द्वारा किया गया। और इस अवसर पर कसरावत एसडीएम श्री संघ प्रिय, जिला परियोजना प्रबंधक श्रीमती सीमा निगवाल, सीईओ कसरावत श्री मोहन सिंह वास्कले, ब्लॉक नोडल अधिकारी श्री किरण कठाने तथा जिला कार्यालय के समस्त जिला प्रबंधक एवं ब्लॉक प्रबंधक वैभव दुबे सहित संपूर्ण ब्लॉक की समूह से दीदियाँ उपस्थित थी। इस अवसर पर समूह की संचालिका आशा धनगर के चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। आशा धनगर ने बताया कि मैंने बेहद गरीबी का जीवन व्यतीत किया है, मेरे पास समूह में जमा करने के लिए 20 रुपए भी नहीं थे, लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगी शासन की इस योजना का, जिसके तहत आज तहसील स्तर पर एक खूबसूरत कैंटीन की मालिक हूँ और अब मैं आजीविका दीदी कैंटीन में आने वाले ग्राहकों को स्वादिष्ट एवं स्वच्छ नाश्ता एवं कॉफी उपलब्ध करवाऊंगी। इस अवसर पर जिला प्रबंधक श्री किरण कठाणे ने बताया कि आने वाले समय में अन्य महिला समूह को भी एसडीएम कार्यालय में संचालित करने के लिए इसी तरह के कैंटीन दिए जाएंगे, जिसमें चाइनीज फूड के अलावा इडली डोसा आदि भी मिलेगा। आपको जो है आजीविका के लिए साधन मिला है, आज सीओ साहब ने उद्घाटन किया था, क्या क्या रखा है आपने और यहाँ तक आने की क्या कहानी है आपके, बताइए पीछे किस तरह से संघर्ष रहा आपका। शुरू स्टार्टिंग से मैं बहुत गरीब महिला थी, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी सीआरपी दीदी आई, मेरे को चार चक्कर बोला, दीदी समूह से जुड़ जाओ, आजीविका से जुड़ जाओ। मैंने बोला एक बार, नहीं दीदी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं कैसे जुड़ूंगी। बोले नहीं, 20 रुपये हफ्ता ही भरना है, ज़्यादा दिन नहीं भरना है। मैंने कहा कि 20 रुपये हफ्ता भी नहीं मेरे पास है, ये कंडीशन है मेरी, मैं कैसे भरूंगी 20 रुपये हफ्ते से। बोले चलाओ तो सही दीदी, बहुत बढ़िया समूह है। मैंने कहा ठीक है दीदी, मैं मजदूरी कर करके मैंने पैसे बचा बचा के 20 रुपये हफ्ते से जमा करना शुरू करा। मेरे को इतनी बचत मिली, दीदियों ने मेरी सब चीज़ मदद पूरी करी, मेरे को इधर से उधर पैसे दे दे के मेरी गरीबी से मेरे को मुक्त करी। गरीबी से जब मुक्त हुई तब मैं सीआरपी दीदी बनी। मैंने गांव गांव जाके सब दीदियों को समझाया, सबको समूह बनाए और सबको अच्छी तरीके से, मैंने जो मेरे पे बीती थी वो कहानी मैंने सबको बता बता के यहाँ तक लाई। आज तो तहसील में बैठ गए आकर के, और अब आगे क्या प्लान है और किस तरीके से अपनी सेवाएं देंगे? मैं तहसील में इसलिए बैठी हूँ कि मेरे को मुख्यमंत्री साहब का और मेरे मैडम का, दीपे मैडम का, मालती मैडम का, दुबे सर का, सभी मेरे सर, दत्तपाल सर, इंदर सर, सबका मेरे को सहयोग मिला और मैं यहाँ तक आई, इसलिए आई कि मैं अच्छे से कैंटीन चलाऊँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए कसरावत से जाकिर खान की रिपोर्ट।